आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी मेरे पति घर में आए और उन्होंने कहा, शाजिया, तुम्हारे घर मुंह दिखाई के समय मैंने जो सोने का चेन दिया था वह मुझे दे दो। मैंने अपने पति से सवाल किया कि पहनी तो हूँ, गले में अच्छा लग रहा है, आप यह क्यों मांग रहे हैं? मेरे पति ने कहा, यह मझली भाभी का चेन है। मेरे बड़े भाइयों ने राय किया था कि हम लोग तुम्हारे पत्नी के लिए नया लाएंगे, जब तक यह भाभी वाला चेन अपने पत्नी को पहना दो और मुंह दिखाई का रस्म पूरा करो। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। जब आपके पास अपना चेन नहीं था तो आपने भाभी वाला सोने का चेन मुझे क्यों दिया? यह कहते हुए मैंने गले से सोने का चेन निकालकर अपने पति को दे दिया। मेरे पति ने कुछ जवाब नहीं दिया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो लौट कर आए। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर बोले, देखो शाजिया, मैं तुम्हारे लिए नए सोने का चेन ला दूंगा, फिक्र नहीं करो। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि शादी के पहले ही दिन कदम रखा ससुराल में और गले में पहना हुआ चैन मुझसे उतरवा लिया गया। मुझे लग रहा था कि मझली भाभी ने शायद मुझे मेरा औकात दिखाने की कोशिश की है कि तुम इसी लायक हो। अब मैं भी कमर कस चुकी थी कि देखा जाएगा जो होगा, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं मझली भाभी को एक हफ्ते ही झेल पाई। उसके बाद एक सुबह जमकर झगड़ा हुआ। मैंने मझली भाभी को चोर और बेईमान तक कह डाला, जिसका नतीजा यह हुआ कि वो नाराज होकर मायके चली गई। अब मैं आराम से घर पे हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया, लेकिन मेरे पति को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मझली भाभी ने अपने पति को क्या क्या बोला कि उनके सारे भाई अब उनसे नाराज हैं। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि झगड़े का शुरुआत मैंने तो नहीं किया।